जय हिंद दोस्तों, डेली जनरल नॉलेज की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में हम लोग सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो आइए आज का प्रश्न शुरू करें। पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन दिया गया है 1 सितंबर 1935 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रगान जनगण मन को कब स्वीकार किया गया था? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 ईस्वी या 26 जनवरी 1949 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी। तीसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? पहला ऑप्शन है रामगढ़ अधिवेशन 1940, दूसरा है बनारस अधिवेशन 1905, तीसरा है सूरत अधिवेशन 1907, चौथा है बेलगांव अधिवेशन 1924, जिसका सही जवाब होगा बेलगांव अधिवेशन 1924 और बेलगांव कर्नाटक में है। चौथा प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? पहला ऑप्शन है सुखदेव एवं राजगुरु, दूसरा ऑप्शन है उद्धम सिंह, तीसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद और चौथा ऑप्शन है भगत सिंह। तो इसका सही जवाब होगा उद्धम सिंह, इन्होंने लंदन में जाकर उन्हें गोली मारी थी। पांचवा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहला ऑप्शन है न्यायमूर्ति श्री एच जे कन्या, दूसरा ऑप्शन है न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबड़े, तीसरा ऑप्शन है न्यायमूर्ति श्री एम पी शास्त्री और चौथा ऑप्शन है न्यायमूर्ति श्री एस आर दास। तो इसका सही उत्तर होगा न्यायमूर्ति श्री एच जे कन्या और दूसरे ऑप्शन में जो है न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबड़े, वे वर्तमान में हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। छठा प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन हैं? पहला ऑप्शन है चार्ल्स कोरिया, दूसरा ऑप्शन है विद्याधर भट्टाचार्य, तीसरा ऑप्शन है राम वी सुतार और चौथा ऑप्शन है सर एडविन लुटियन। इसका सही जवाब होगा राम वी सुतार। सातवां प्रश्न है, संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? पहला ऑप्शन है चार्ल्स कोरिया, दूसरा ऑप्शन है विद्याधर भट्टाचार्य, तीसरा ऑप्शन है राम वी सुतार और चौथा ऑप्शन है सर एडविन लुटियन। इसका सही जवाब होगा सर एडविन लुटियन। आठवां प्रश्न है, भारत में स्थित सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? पहला ऑप्शन है लहोत्से, दूसरा है एवरेस्ट, तीसरा है काराकोरम और चौथा है कंचनजंघा। इसका सही जवाब होगा कंचनजंघा। वैसे काराकोरम सर्वोच्च पर्वत शिखर है भारत का, लेकिन वो अभी पाकिस्तान के अधीन है, जिसे हम लोग POK या पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, लेकिन वर्तमान में जो कंचनजंघा है वो सिक्किम में स्थित है। इसलिए अभी वर्तमान में भारत में स्थित सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंघा होगा और एवरेस्ट तो जानते हैं विश्व में सबसे ऊंचा है। आज का नौवा प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन है? पहला ऑप्शन है बीना मुरलीधरन, दूसरा ऑप्शन है सुरेखा यादव, तीसरा ऑप्शन है शिवांगी सिंह और चौथा ऑप्शन है सुषमा मुखोपाध्याय। इसका सही जवाब होगा सुरेखा यादव। शिवांगी सिंह जो है वो नेवी की पायलट बनी है पहली, और सुषमा मुखोपाध्याय भी पायलट है लेकिन दूसरे क्षेत्र में। आज के सीरीज का 10वां और अंतिम प्रश्न है, 2020 में क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसे चुना गया है ICC के द्वारा? पहला ऑप्शन है KL राहुल,
दूसरा ऑप्शन है बाबर आजम, और तीसरा ऑप्शन है डेविड मलान, और चौथा ऑप्शन है विराट कोहली। तो इसका सही जवाब होगा विराट कोहली। आज के सीरीज में इतना ही, मिलते हैं अगले सीरीज में। अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी जिज्ञासा को कमेंट करें। धन्यवाद।